नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो कि DRDO ने डेवलप किया है। और इस प्रकार की डिवाइस कहीं भी ओपन सोर्स में रिपोर्ट नहीं की गई है दुनिया में। ये डिवाइस है DRDO का लेजर क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट एंड इमेजिंग सिस्टम, यानी कि LSESMI। इसको डेवलप किया है DRDO की लैब LASTEC ने, मतलब लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो ये अपने आप में ही एक यूनिक सिस्टम है। बेसिकली ये किस काम आने वाले हैं, तो जो भी आपके वॉरशिप हैं, टैंक हैं, मिसाइल्स हैं, या फिर कोई भी UAV है, हेलीकॉप्टर है, तो ये सभी के सभी जो एंटिटी हैं उनको और भी ये जल्दी बनाने वाला है। और वो कैसे बनाएगा, तो बेसिकली अगर दुश्मन के जो लेजर डेजिग्नेटर होते हैं वो आपको स्कैन कर रहे होते हैं, तो आपके डिवाइस का, कहने का मतलब ये है, चाहे वो टैंक हो, UAV हो, हेलीकॉप्टर हो, तो वो लेजर के पैमाने पे कितना क्रॉस सेक्शन लेके आता है वो चीज़ मैटर करती है। और वही क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होता है तो जो उनकी लेजर डिवाइस है वो आपको लॉक करने में सक्षम होती है। तो टेक्निकली ये आपको क्या करेगा, ये सिस्टम आपके दुश्मन के जो भी लेजर रेंज फाइंडर है या फिर LD डिवाइस है उसको देखते हुए जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो कम कर देगा ये। तो बेसिकली ये टास्क परफॉर्म करने के लिए ये क्या करता है, ये आपके अंदर, मतलब डिवाइस के ऊपर, कुछ जो लेजर बीम है वो छोड़ता है और डिवाइस की जो 3D पिक्चर है वो तैयार करता है। और उसमें देखता है कि जो लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ से जो लेजर बीम है वो स्कैटर हो रही हैं। तो जिन भी जगह पे लूप होल्स होंगे उनको आप और भी तैयार कर लोगे ताकि कॉम्बैट के टाइम पे जो आपका लेजर क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा ना दिखे। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करेगी टैंक के केस में, क्योंकि उस तरह के कॉम्बैट में जो लेजर वेपन है वो काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपको पता ही होगा लेजर वेपन कैसे काम करते हैं। एक बार दुश्मन के लेजर डेजिनेटर ने आपके ऊपर कोई बीम छोड़ी है और उससे अगर आप क्रॉस सेक्शन दे दोगे उसको, फिर आपके ऊपर कोई लेजर गाइडेड बॉम्ब छोड़ा जाता है और जिसका जो सीकर होता है वो लेजर सीकर होता है, तो आपके क्रॉस सेक्शन को देखते हुए ही वो आपकी तरफ गाइड होता है। तो अगर आपका क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, मतलब आपका जो टैंक है या फिर कोई भी इक्विपमेंट है उसका जो लेजर क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा, मतलब कम स्कैटर करेगा, तो जो भी इस तरह के म्यूनिशन होंगे वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे या फिर आप पहले प्लेस पे ही डिटेक्ट ही नहीं होंगे। तो ये सिस्टम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरह के जो सिग्नेचर मेजरमेंट है वो देने में सक्षम है, जो कि आपके डिवाइस की 3D इमेज है वो जनरेट करता है और आपके इक्विपमेंट के अंदर जो भी लूप होल्स हैं क्रॉस सेक्शन को लेके वो आपको बताएगा। तो ये तो इसका काम है ही, दूसरे कामों के रूप में देखते हो तो ऑटोमेटिक वीडियो ट्रैकिंग के रूप में भी ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं सी और एयरबॉर्न टारगेट को लेके, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी है कि अगर कोई टारगेट मूव कर रहा है तो उस मूविंग टारगेट का भी एक 3D पिक्चर आपको बनाकर दे देगा। और इस तरह का जो एक सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है विशाखापट्टनम में डॉल्फिन स्नोज स्टेशन पे। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम में कौन कौन से जो डिवाइस हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला आपका हो जाता है एक लेजर सोर्स जो कि जनरेट करेगा लेजर बीम को, और ये सोर्स बेस्ड है 1540 nm पे, जो कि 20 Hz की पावर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के लेजर बीम से आपकी आंखों को लेके कोई नुकसान नहीं होने वाला है। डिवाइस में अगला कंपोनेंट है एक 100 cm का पेचर वाला इंटीग्रेटेड डिटेक्टर जो कि गैलियम आर्सेनाइड से बनाया गया है। वहीं पे एक हाई एंड लेजर प्रोसेसिंग यूनिट भी दिया गया है। तो बेसिकली जो इसका पेचर है वो खोल के रखता है इसको बीम को कलेक्ट करने में जो भी स्कैटर होके आएंगी, और जो प्रोसेसिंग यूनिट है इन सभी डेटा को प्रोसेस करता है। और जो इसका CCD कैमरा है वो लेजर डायोड ड्राइवर सॉफ्टवेयर के साथ मिलके 3D विजुअलाइजेशन करते हैं, जबकि एक गिम्बल प्लेटफॉर्म भी दिया गया है जो कि इस पूरे माउंट को रोटेट करने में सक्षम है। तो ऐसा कुछ जो अरेंजमेंट आपको दिखेगा, जहाँ पे 3D इमेज के लिए अलग रेक है, लेजर क्रॉस सेक्शन के लिए जो रेक है वो अलग है। तो इसका जो पहला फंक्शन हो गया कि इसका जो लेजर सोर्स है वो अपने बीम को आपके टारगेट पे छोड़ देगा, वो टारगेट आपका टैंक हो सकता है अगर जो उसका क्रॉस सेक्शन है लेजर क्रॉस सेक्शन वो आपको पता करना है तो, और उसे इम्प्रूव करना है तो वहाँ से स्कैटर होकर जो भी लेजर बीम्स आएंगी आपके टैंक में लूप होल के थ्रू, तो वो कलेक्ट कर लेगा इसका जो रिसीवर है वो। और कुछ इसी तरह से काम करता है ये जब इसको आप इंस्टॉल कर देते हो एक हिली एरिया में या फिर किसी शिप पे एयरबोर्न टारगेट्स को पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे भी जो इसकी स्कैनिंग होगी वो ऐसे ही होगी, और जो कुछ भी पॉइंट्स मिलेंगे उस पॉइंट की हेल्प से इसमें जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है 3D विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर वो हेल्प करेंगे उस चीज़ की एक 3D पिक्चर क्रिएट करने में। तो अपने आप में ही काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है और यूनिक भी है, इसीलिए मैंने सोचा इसको कवर किया जाए, क्योंकि जहाँ तक इस सिस्टम का सवाल है तो ये भी इस्तेमाल में भी लाया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।